Assalamualaikum। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे आप बॉर्डर नंबर एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चेक किया, इसका एक्सपायरी डेट 8/9/2020 आज तो 24/8/2020। तो देखिए, बॉर्डर नंबर क्या होता है। बॉर्डर नंबर बोले तो आप जब सऊदी में एंट्री होता है, एंट्री होने के बाद आपका वीज़ा का अपोजिट साइड पासपोर्ट का जो पेज है वो पेज में ऐसा पेन से एक नंबर लिख के देता है एंट्री होने के बाद। देखिए, ये 11 मार्च आया था ये लोग 2020। तो अभी ये लॉकडाउन का वजह से और 3 महीने इसमें टाइम रहता है, 3 महीने, लेकिन ये भाई का और 3 महीने और ज़्यादा मिला है क्योंकि लॉकडाउन का वजह से सब कुछ सारा सिस्टम बंद था, इसीलिए हुकूमत ने ज़्यादा और 3 महीने बढ़ा दिया। इसका वैलिडिटी 3 महीने में 3 महीने रहता है, 3 महीने बाद आप इकामा बनाएंगे तो आपको ग्रामा आएगा, 500 रियल, सऊदी का 500 रियल आएगा। और 3 महीने से पहले आप बनाएंगे तो आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो देखिए, इसका एक्सपायरी डेट तो मैं दिखाया, ये चेक करने का एकदम आसान तरीका है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डेट तो आपका हिसाब से मिलता है, लेकिन आप ऑनलाइन में चेक कर लेंगे तो एकदम आसानी से आप देख सकते। और ये बॉर्डर नंबर से आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। देखिए, आली और मैशर अली इनका नाम, ठीक है, एकदम आसानी से सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये चेक करने के लिए ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट से इकामा भी चेक कर सकते हैं, इकामा का जो एक्सपायरी डेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बॉर्डर नंबर देखिए, इधर आईडी इकामा बॉर्डर नंबर, आईडी बोलो तो सऊदी लोग का जो आईडी है वो कितना दिन वैलिडिटी है वो, और इकामा बाहर का लोग के लिए रेजिडेंसी के लिए, और बॉर्डर नंबर जो उन्होंने आया हुआ है जिनका इकामा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वह सब डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आपको कुछ लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पेज जब आएगा, ये पेज आरबी आएगा तो देखिए इधर इंग्लिश, ठीक है, आपको इंग्लिश आरबी रहेगा तो ये ऐसे इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश बना के करना है इसको। तो यहाँ पे आपका जो बॉर्डर नंबर में जैसे देखा हो दिखाया, देखिए ये बॉर्डर नंबर पेन से जो लिखा हुआ ये बॉर्डर नंबर आपको दे देना है इधर। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर नंबर दे देता हूँ और लास्ट दूसरा नंबर पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख। तो इसका बॉर्डर नंबर मैं दे देता हूँ, बॉर्डर नंबर में दे दिया हुआ, और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टाइप करना है, देखिए ये आरबी, ये हिजरी होगा तो आरबी आपको देना है आरबी, और आपको इंग्लिश में करना है तो देखिए इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ग्रीगोरियन इस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट कर दिया ग्रीगोरियन, और उसके बाद आपको ये देखिए ये जो ईयर कार्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो डेट आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको मान ईयर पूरा सब कुछ ठीक से देना है, नहीं तो चेक नहीं होगा। तो मैं देखिए ये वही का मैं दे दिया हूँ, और उसके बाद आपका काम है ये देखिए नीचे 930130, ये वेरिफिकेशन जो कोड है ये कोड आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। तो मैं टाइप कर देता हूँ वेरिफिकेशन कोड, ये अलग अलग होता है, हर बार अलग होता है, आपको आप जितना बार चेक करेंगे उतना अलग अलग बार होएगा। 930130। उसके बाद आपका और कोई काम नहीं, ये नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए वही पेज आ रहा है, अभी खुल गया। देखिए मैशर अली, और नीचे देखिए इकामा एक्सपायरी डेट, इकामा बोले तो क्योंकि ये भाई का अभी तक इकामा नहीं बना है इसीलिए बॉर्डर नंबर से चेक किया। तो ये देखिए 8/9/2020। तो आप एकदम आसानी से चेक कर सकते हैं, और आपको ग्रामा लगेगा कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा देख लेना। आज यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।